इंसान कहता है कि पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर मेरे दोस्तों के सुबह, और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे सिनोनिम एंटोनिम नाना, फिर से सरप्राइज टेस्ट। और आज सरप्राइज टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा, क्या टॉपिक होगा, देखते हैं, वो अभी आपको डिस्क्लोज हो जाएगा। और कर ही देता हूँ, टाइम तो हमें ज्यादा है नहीं। तो आज हम कवर करेंगे अपने सरप्राइज टेस्ट में क्या इडियम और फ्रेसेस। मेरे प्यारे मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये सरप्राइज टेस्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इडियम फ्रेसेस मैं आपको लेकर के आया हूँ वो सारे प्रीवियस के आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, आपको सभी एक जगह, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, आपको ये बड़े कॉमन से जो है वो इंडिया में फ्रेसेस हैं। और एसएससी वाले बच्चों को खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि एसएससी जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आप जरा अपनी पूरा फोकस रखिएगा, और मैंने जिन्होंने पहले भी सरप्राइज टेस्ट की क्लास ली होगी वो उन जानते होंगे कि किस तरीके से मैं कवर कराता हूं। तो मैं आपको दोबारा से बता देना चाहता हूं कि हम क्या काम करेंगे, एक एक करके एक एक ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको क्वेश्चन होता है वैसा लेंगे, और मैं आपको अमिताभ बच्चन जी की तरह 30 सेकंड नहीं, केवल और केवल 15 सेकंड दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। और आपको विद इन 15 सेकंड अपना जो आंसर है वो अपने लाइव चैट में, जो अभी क्लास में प्रेजेंट है वो तो लाइव चैट में करेंगे, और जो बाद में क्लास को लेंगे वो कमेंट सेक्शन में क्या है अपने आंसर्स को, अपने मार्क्स को, मार्क्स जरूर मत भूलिएगा। क्लास ओवर होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने मार्क्स बताइएगा। आज हमारे 15 out of 8 है, 10 है, व्हाटएवर आपके भी जो भी मार्क्स हो आप जो है वो उसको जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। कंप्यूटर जी लगा दीजिए। तो आपका पहला स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। तो फटाफट से आपके पास 15 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए शाबाश, ये एक इडियम फ्रेसेस है, और अगर मैं आपको बता देता पहले से तो आप जो है कर लेते तैयार, लेकिन सरप्राइज टेस्ट का मतलब है ना, इसलिए सरप्राइज टेस्ट है। तो आज का हमारा सरप्राइज टेस्ट है वो किसका है, इडियम एंड फ्रेसेस का। फटाफट से इसको कवर कीजिए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से अगर इसका आंसर टाइप कीजिए क्या होगा। फटाफट क्विक, 4, 3, 2, 1 आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलिए मैं आपको उसको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ये लिखा हुआ है आ सैक्रेड काउ, मतलब आ सैक्रेड काउ, यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्लिक करके इसके जो है वो आप आंसर तक पहुंचना है। तो मैं आपको फटाफट से बता दूं, पहले इसका जो आंसर है उस फिर इसको समझेंगे क्या हो? पहले इसका आंसर है ए, फर्स्ट का क्या आंसर हो गया ए, आप इसको समझते हैं। अ सैक्रेड काउ, इसका जो मीनिंग होता है इडियम फ्रेज का जो मीनिंग होता है वो तो वो होता है अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, एक ऐसा इंसान जो कभी आलोचना का पात्र ना बना हो या जो किसी की आलोचना ना करता हो उसको बोलते हैं अ सैक्रेड काउ। आपको इसको अच्छे से याद करना है, क्लियर ये बात, याद समझ में आती है। अब जरा और भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसके और ऑप्शन है, किस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे। जब आपके सामने आएगा अ सैक्रेड काउ, काउ को देखा है, पर कोई लोग बता उसको आलोचना करता है काउ को, सभी लोग पवित्र मानते हैं और बड़ा ही अच्छा मानते हैं। तो आप इस तरीके से काउ से लिंक करके उसको याद कर लीजिएगा इस वाले आंसर को। आप देखो अ सेंटी पर्सन, अ रिलीजियस धार्मिक हो, संत जैसा हो, है ना, यहाँ पर वो मीनिंग आ जाता है, अ हेल्पफुल जो मदद करने वाला इंसान हो। तो ये बड़े कंफ्यूज करते हैं और होते बड़े आसान है, क्लियर ये बात। अ सेक्रेड काउ क्या मीनिंग हो गया, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, आलोचना, क्लियर हुई बात। चलिए तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए हमारे प्यारे बच्चों के लिए। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, कैसे चलो वो डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश, सोचिए और अपना आंसर लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। अपने अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट लाओ, आपस में कॉम्पीट करो, कॉम्पिटिशन लाओ, तभी तो मजा आएगा। तो आपका टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है, चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ही इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज। तो जब कभी भी इस तरह से स्टोरी बेस्ड आ जाता है ना इडियम फ्रेज, उसको कवर करना, इसका आंसर तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। आप लोग सेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ही इज एज डाफ्ट एज ब्रश, हमें नहीं समझ में आया, है ना, यहाँ तक हमें अभी फिलहाल समझ में नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, उसकी बात पर विश्वास मत करना वो जो कुछ भी कहे।
तो मतलब क्या हो सकता है इसका? अब आप सोचो, वेरी फनी, रियली सिली, अ लायर, क्या हो, और चौथा क्या है, अनरिलायबल। तो जब भी क्या, जब भी इस तरीके की बात होती है तो हम क्या कहते हैं ज्यादातर, यार यार वो पागल है, उसकी बात करना विश्वास मत किया जाए, है ना। वैसे आप ये बोलोगे अ लायर भी है, लेकिन नहीं, हमें क्या है याद करना, कैसे, अ डाफ्ट एज अ ब्रश का क्या मीनिंग होता है, रियली सिली, जो क्या है, मूर्खतापूर्ण बातों को बोलता हो, बड़ा ही मूर्ख हो। और वेरी फनी आप जानते हैं, बड़ा ही हंसने साथ, है ना, बहुत ज्यादा मजाक करने वाला, लायर यानी कि झूठा, और अनरिलायबल इस पर विश्वास ना किया जाए। चारों आपको समझ में आ गए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का बी। क्लियर हुई बात? तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर अल्मा मैटर विद ग्रेटिट्यूड। अब सोचो, सारे आए हुए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, शाबाश, वेरी गुड। घड़ी की जिसुई है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, टाइम खत्म होने वाला है, 4, 3, 2, 1, चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर अल्मा मैटर विद ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर ये बात हो गई है कि मुझको क्या है, वो सब कुछ याद है, अपने बचपन की बात है, जहां से मैंने जो है वो एजुकेशन को अपनी लिया था। तो क्या है अल्मा मैटर का मीनिंग, क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का बी। ठीक है, मदर्स लविंग केयर नहीं होता इसका, टीचर हो इंस्पायर मीन मुझे इंस्पायर किया हो, ये भी नहीं होता, और किंडर गार्डन जी जो अपने कैसे हो बहुत ज्यादा, किंडर गार्डन जी जो होता है ना, कहते हैं बड़े ही हमारे मस्त से दिन थे, अच्छे दिन थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है इसका हमारा आंसर, बी, है ना, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, आप पढ़ो और आंसर जो है टाइप करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है, चलिए फटाफट से, शाबाश, ऐसे ही पढ़ो, टेस्ट ले ले, जितना टेस्ट लोगे ना अपने आप को जस्ट करो कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ है, कहाँ है, स्टैंड कर रहे हैं हम, कितना हमें करना है कवर, शाबाश। तो फिर से आप 15 सेकंड, बड़ा जल्दी हो जाते हैं और बड़े ही आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लोअर हेड। अब देखो चार ऑप्शन है आपके, अलूफ फ्रॉम ईच अदर, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, अब्यूजिंग ईच अदर, और एग्री ऑन एवरीथिंग। लेकिन इसका हमारा क्या होगा, डिसएग्री, यानी कि जो डिसएग्री होता है हर बात पर, हर बात पर क्या बोले, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एट लॉगर हेड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ का बी। ठीक है, अलू फ्रॉम ईच अदर मतलब हर एक से अलग रहने वाला, अब्यूजिंग करे, एग्री हो जाए हर पॉइंट पर, नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, सबसे अच्छा क्या होगा, डिसएग्री ऑन एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा इसका ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी। शाबाश, 5, 4, 3, देखते कौन सबसे पहले टाइप करता है, 2, 1, बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं, समझाता हूँ आपको टाइम हो गया, फिनिश। तो चलिए समझिए इस बात को। अब यहाँ लिखा हुआ है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखो अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा दोस्ताना सा बिहेवियर होता है, जो मतलब बहुत अच्छा हो, फ्रेंडली बात करे। हाँ, क्या हो गया बी आंसर, अभी इसका आंसर हो गया 5 का, क्या हो गया बी, जिसका फ्रेंडली फीलिंग हो, जिसके अंदर कैसी हो, फ्रेंडली फीलिंग हो, जिसके अंदर व्यवहार कैसा हो, उसका कैसा हो, मतलब कैसी दोस्ताना व्यवहार हो, वो किसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रेंडली फीलिंग, लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि कैसा, मतलब ये किसी पर्सन के लिए नहीं आएगा, ये फीलिंग, फीलिंग को बता रहा है, किसकी मित्रता वाली फीलिंग है उसकी। तो क्या हो गया उसके लिए, लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ठीक है, जो भी बच्चा आज पहली बार क्लास में आ रहा हो, वो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लास को चेक करिए, किस तरीके से हम यहाँ तक आए हैं, कैसे हम चीजों को कवर कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात? और बढ़ते हैं और चीजों को भी देख लेते हैं, क्या है ग्रेजुअल रिकवरी, कहते हैं ना ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यानी ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है, धीरे धीरे, ये भी आपको बताता चलता हूं। ठीक है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेसिव लेबर बहुत ज्यादा मेहनत करना, एक्सेसिव एंथुसियाज्म यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होना, एंथुसियाज्म, उत्साही होना, लेकिन नहीं, इसका क्या मीनिंग है हमारा, फिफ्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार, जल्दी से बताइए, शाबाश, क्विक, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर हो गया आपका। बाय गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इररेगुलरली, यानी कि जो अनियमितता से काम करे, इसको क्या बोलते हैं हम,
फिट्स एंड स्टार्ट, तो उसका क्या हो जाएगा सिक्स का बी। क्लियर हुई बात? याद है कंसिस्टेंटली, यानी कि जो कैसा हो कंसिस्टेंटली काम करे, लगातार काम करे, हाई स्पीड से करे, बहुत ज्यादा कैसा हो इंथुसियाज्म हो करके, और इंथुसियास्टिकली आप जानते हैं उस तरह। क्लियर हुई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जल्दी से ही, आपका टाइम शुरू होता है अब। हेल्दी कॉम्पिटिशन लाना पड़ेगा आपको, उसके बिना कुछ भी नहीं है। कॉम्पीट करो, देखो सबसे पहले आंसर टाइप करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसके आज अच्छे मार्क्स आएंगे ना, अगली क्लास में जब ईडीएम रेस का टेस्ट होगा, मैं पक्का उसका नाम लूंगा। पक्की बात, एकदम मैं आज कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। चलिए समझते हैं, इसका टाइम ओवर हो चुका है। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कैरेट, देखो अब आप इसका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसके तरफ जो है हम इसके तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा टी। सेवन का क्या आंसर हो गया आप डी। अब इसको समझते हैं। देखो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी कि मीठा मीठा भी खिला दो और साथ साथ कड़वा भी दे दो, यानी कि क्या करो अवार्ड भी दे दो और पिटाई भी कर दो। दोनों तरह की पॉलिसी है, यानी कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और गलत कैसे करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? चलिए। डेमोक्रेटिक है, यानी कि कैसा है, समझते हैं ना, डेमोक्रेसी वाला वर्ड है। फेयर एंड फूल है, बिल्कुल क्लियर हो। कंटिन्यूस विजिलेंस, ये सब वर्ड से आप अच्छे से परिचित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब अगला वर्ड है फिट हर लाइक अ क्लो। 50 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कवर करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए तो एट का जो आंसर है यहां पर है डी। अब आपको समझते हैं, समझाते हैं इसको किस तरीके से ये हुआ है इसका। देखो फिट हर ग्लो, अब आप ग्लोव से याद रखिएगा, आपने ग्लव्स है ना, ग्लव्स पहनते हो ना आप, सर्दियों में आप बाइक वगैरह राइड करते हो तो ग्लव्स पहनते हो आप, उसको वहां से याद कर लीजिएगा। तो ग्लव्स लेते हो ना आप, जो तो अपने दस्ताने लेते हो वो कैसे लेते हो, बड़े ही परफेक्ट होने चाहिए वो, है ना। अभी तो बाइक जो है अच्छे से राइड कर पाओगे तो हाँ ये वही है। ग्लव्स कैसे होने चाहिए हमारे, परफेक्टली होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा शैबी हो, ना टाइट हो, ना बहुत ज्यादा पड़े हो। कैसे हमारे ग्लव्स कैसे हो, बिल्कुल टाइट हो। तो वो शैबी का जो मीनिंग होता है वो होता है जर्जर, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट, आपका टाइम, जैसे मैं स्टार्ट बोला करूं समझ जाएगा, आपका टाइम शुरू हो गया। जैसे बोला करूं टिक टिक ओवर, तो आप समझ जाएंगे आपका टाइम ओवर। द बॉय वॉज इन टच विद हिज फ्रेंड्स। जो बॉय था वो डैश था अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या था, टाइम खत्म, ठीक है। तो वो जो जो बॉय था वो कैसा था, परेशानी में था, इन ट्रबल था। कैसा था, इन ट्रबल था, यानी कि परेशानी में था। इसको क्या आंसर हो जाएगा डी। इन लव, प्यार में नहीं था, गुड टर्म्स में नहीं था, अच्छे अच्छा मतलब कहते ना गुड टर्म्स है, अच्छा है ना। और मतलब क्या होता है, भय भय में नहीं था, तो इन ट्रबल था मतलब कैसे परेशानी में था। तो नाइन का क्या आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। You can easily overcome this situation if you keep your head and start. जल्दी जल्दी, फोर थ्री टू वन, और आपका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। अभी भी टाइम है, 5 सेकंड और दिया आपको, जाओ फिर से बताने के लिए, जल्दी जल्दी। फाइव फोर थ्री टू वन, क्या था, देखो इसका आंसर कितना पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, पहले आंसर पहले आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। टेंथ का क्या हो जाएगा हमारा बी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड, यानी कि अगर आप शांत बने रहो, रिमेन काम रहो, तो आप कैसे क्या कर सकते हो, आप हर सिचुएशन को क्या कर सकते, आसानी से ओवरकम कर सकते हो, उसको जीत सकते हो, अगर आप जो है वो शांति से बने रहे, आप शांत बने रहे तो आप चीजों को क्या कर सकते हो, आसानी से ओवरकम कर सकते हो। की फेथ इन, फेथ आता विश्वास के लिए, बिलीव इन ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट और बिलीव क्या हो गए, सेम वर्ड हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सेम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट, शाबाश। टाइम ओवर होने वाला है,
चलिए तो आपका टाइम फिनिश होता है, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इलेवेंथ का जो है करेक्ट आंसर होगा ए। इलेवेंथ का क्या होगा ए जानते हैं क्यों? डो नॉट लोज लॉस योर हेड, यानी कि अपना जो है मतलब आपा खो देना, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो जाना ना, गुस्से में आ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉस योर हेड, यानी कि अपनी बुद्धि से जो है वो खिसक गया, उसका दिमाग जो है खिसक गया है, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं। अब देखो हेड एक जान दो सर्द के लिए, एम्बेरस समझते हो है ना, शर्मिंदा, शेव योर हेयर बिल्कुल ही सेंस ही नहीं बैठ रहा कोई है ना इसके मीनिंग का, है ना, तो समझ रहे हो ना, तो आराम से क्या टिकट लोगे इसका इलेवेंथ का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्टार्ट Do not run down your friends in public. सोचो ये जो सेंटेंस वाले होते हैं ना, उनको बनाना बड़ा आसान होता है। फाइव फोर थ्री टू, ये टाइम ले रहा हूँ ताकि कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करो, उसको टाइप करके बताओ जल्दी से। चलो do not run down your friends in public. अब देखो यहाँ पर क्या बात कही गई, यहाँ पर बोल रहा है कि अपने जो दोस्तों को क्रिटिसाइज मत करो, उनको पब्लिक प्लेस में जा करके उनकी आलोचना मत करो। अगर आपको उनके अंदर कोई बात समझ में आ रही है, बुरी लग रही है, तो वहां जा करके अपने रूम में जा करके अई जगह कांत में खड़ा होकर उसको क्रिटिसाइज करो कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ये गलत बात है, ये तुम ऐसे वैसे, यानी कि चार लोग पब्लिक के सामने उसको क्या कर रहे हो, रन डाउन कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उसकी इमेज को डाउन कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज करो। फाइट विद, लड़ना, फॉलो करना, किसी को मेंशन कहते हैं ना, मेंशन मत करो है ना चीज को, मेंशन ऑफ ये वो, इस तरह से बड़े आसान से वर्ड है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, तो ट्वेल्थ का चांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थ्रो कोल्ड वाटर, ये आपने जरूर सुना होगा, सब प्रीवियस ईयर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सब आपके एग्जाम में आए हुए। थ्री टू वन, आपका टाइम ओवर हो चुका है, चलिए समझाता हूँ। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर आता है, इसका मतलब होता है कि किसको भी हतोत्साहित कर देना, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल दो, मतलब वो पूरा चार्ज है, आज मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, आपने कहा जा रहे जा तो उससे ऐसा नहीं होने का, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर आपने डाल दिया उसके ऊपर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी एनर्जी जो साहस हो बचेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्करेज। अटैक, आप जानते हैं आक्रमण करना, इनकरेज किसी को क्या करना, क्या कर देना, एक तरह से क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, यानी कि इसका साहस जो दबा रहे हैं, और इनकरेज मतलब किसी को साहस करना, किसी को इनकरेज करना है ना, डिफेंड मतलब किसी की रक्षा करना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, टू बीट अबाउट द बश, बहुत बढ़िया, बहुत कॉमन, और कई बार एग्जाम में मैं देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को। जल्दी, फोर थ्री टू वन, देखो टू बीट अबाउट बश का मतलब होता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट सेक्शन में जो है अपने आंसर को टाइप करते रहिए, अगर आप पूरा नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो 14 का बी ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी कि घुमा फिरा कर बातों को कहना, टू बीट अबाउट द बश, इसका मीनिंग ये होता है, किसी को हर्ट कर देना, किसी को ट्री बेड को काट देना, प्लांट और ज्यादा प्लांट लगाना, ये कोई सेंस है ही नहीं उनका यहाँ पर, सब्सटेंस क्या परफेक्ट आंसर है इसका, नॉट टू कम टू द पॉइंट, सीधे बात पढ़ना है ना, घुमा फिरा कर बात करना। लास्ट वर्ड आपके सामने, फटाफट इसका आंसर जरूर टाइप कर दीजिए और अपनी क्लास को ओवर करते हैं फटाफट से, और अपने जब आपका वीडियो हो जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का टेस्ट कैसा लगा, और ये टेस्ट वाला जो इनिशिएटिव है वो कैसा है, क्या ये आपके वोकैबुलरी शेड्यूल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी राय हो, आपको क्लास कैसी लगी है, सब चीजें, सारी की सारी चीजें आप फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट से बहुत प्यारे में आपको, आप लोग जान ही गए होंगे इस चीज को, कमेंट सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कमेंट सुन करके मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कमेंट देख करके, आपके प्यार से बड़ा अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूला करिए, ठीक है, और अपने जितने भी आपके मार्क्स हों वो सब सभी जा करके, क्या सवाल है, हमारे सर इतने मार्क्स आए थे और हम जो है वो आगे और इम्प्रूव करेंगे, कुछ भी आप जो भी कहना चाहें, ठीक है। चलिए तो चलिए इसके लास्ट जो है वो उसको और देख लेते हैं, टू एग ऑन, टू एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज, ठीक है, तो ये लास्ट वर्ड था आपका, वो भी मैंने कवर करा दिया है, मतलब एग ऑन मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना है ना, ये भी जरा देख लीजिएगा, अर्ज मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उकसाना है ना, वॉर्न करना कहते हैं ना, किसी को वॉर्न कर रहे हो, टास्क किसी से कुछ पूछ रहे हो और किसी को सलाह दे रहे हो, सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा, टू अर्ज, अर्ज मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, तो क्या हो गया है हमारा लास्ट का आंसर हो गया, क्लियर ये बात,
उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऑप्शंस को भी मैंने कवर कराया है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी। क्लियर हुई बात? तो आपको ये टेस्ट कैसा भी लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे आगे वाली अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हंसते रहिए और जिंदाबाद रहिए। क्लियर हुई बात? चलिए मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास।